हेलो एवरीवन, डेली ग्रुथ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक प्रश्न में जो भी इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी फैक्ट मिलेगा उसको भी बताएंगे। यदि आप इस वीडियो या अन्य किसी भी वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर मिलेगा और अंत में एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा किस बैंक के CEO बने हैं? तो हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा CEO बने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अब बात है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो ये चित्र में इसका लोगो है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, CEO पता ही चल गया कौन बने, विरूपाक्ष मिश्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में महाविसुबा पना संक्रांति को नव वर्ष त्यौहार के रूप में मनाया गया है? महाविसुआपना संक्रांति को नव वर्ष के रूप में मनाया गया है, तो ये मनाया गया उड़ीसा में। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। तो इसलिए इसका सही उत्तर है सी। अब बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा में मनाया गया। कब मनाया गया? 13 अप्रैल को। कब मनाया गया? 13 अप्रैल को उड़ीसा में। कैसे मनाया गया? नव वर्ष के रूप में। दिन का नाम पना से, जो पना लिखा है वो दिन के नाम से, चूंकि वहां पर एक पेय पदार्थ होता है जो पना कहलाता है, तो उसके नाम पर यहाँ पे पना आया है। अब बात है उड़ीसा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नवीन पटनायक, प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं गणेशी लाल, और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। साथ ही यहाँ की राजभाषा है उड़िया, राजभाषा उड़िया। और यहाँ पे एक भीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो इस प्रश्न में इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बर्ड चैगस डिसीज डे, बर्ड चैगस डिसीज डे मनाया गया। कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 14 अप्रैल को। कब मनाया गया? 14 अप्रैल, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। अब ये बर्ड चैगस डिसीज डे ये होता क्या है? ये इस बार पहली बार मनाया गया। कौन से? फर्स्ट टाइम मनाया गया। कब मनाया गया? 14 अप्रैल 2020 को पहली बार। क्यों मनाया गया ये? ये इसलिए मनाया गया कि कीड़ों से होने वाले रोगों के प्रति व्यक्तियों में जागरूकता फैलाना। इसका उद्देश्य क्या है? साइलेंट एंड साइलेंस्ड डिसीज के बारे में, यानी कि कीड़ों से फैलने वाले रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना, तो ये इसी वर्ष से प्रारंभ किया गया। तो इसे ये है विश्व चागास दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति वी कनगराजन किस राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए? कौन नियुक्त किए? राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। और किनको? पूर्व न्यायाधीश, पूर्व न्यायमूर्ति कौन? वी कनगराज। तो कहाँ के नियुक्त किए गए? आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त। अब पूर्व न्यायाधीश है तो ये कहाँ के न्यायाधीश थे? तो ये न्यायाधीश थे मद्रास उच्च न्यायालय के, यानी कि चेन्नई उच्च न्यायालय के। तो अब बात है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद। और आंध्र प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तेलुगु। और एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो स्वतंत्रता के बाद अलग होने वाला
पहला भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य था। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। तो इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सर्विस यानी कि IVRS किस राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया? क्या है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सर्विस IVRS एक तरीका का मोबाइल सिस्टम किस राज्य सरकार द्वारा के सहयोग से प्रारंभ किया गया? तो यह क्या है तमिलनाडु राज्य सरकार। किसके? तमिलनाडु। इसलिए इसका सही उत्तर है डी। सही उत्तर क्या है? डी। अब है क्या है IVRS सेवा? तो IVRS सेवा जो है वो उपयोगकर्ता को COVID-19 ट्रैकर ऐप का सबसे अधिक लाभ उठाने और आवश्यकता के समय स्वास्थ्य मार्गदर्शन में सक्षम है। स्वास्थ्य मार्गदर्शन यदि उसे आवश्यकता पड़ती है तो उपयोगकर्ता को क्या करना होगा? समर्पित नंबर पर उसे मिस कॉल देना होगा और मिस कॉल के बाद में अपने लोकेशन को ऑन कर लेना होगा। बस उसको सारी सुविधाएं वहीं पर मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्ति एक वेब पोर्टल है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा शुरू किया गया? तो सबसे पहले ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये पता होना चाहिए। तो ये शुरू किया गया है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसके मंत्री कौन से? रमेश पोखरियाल निशंक, यानी कि इसका सही उत्तर है बी। सही उत्तर क्या है? बी। तो ये क्या है? ये एक पहल है जिसमें मॉनिटर और रिकॉर्ड करने के लिए एक यूनिक पोर्टल और डैशबोर्ड है, यंग इंडिया कॉम्बिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कब इसको लॉन्च किया गया? इसको किया गया 12 अप्रैल को। कब किया गया? 12 अप्रैल को। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटली लेन देन पर जोर देने के लिए RBI के ट्विटर अभियान का चेहरा कौन सा बॉलीवुड अभिनेता बना है? RBI के ट्विटर अभियान, कौन से ट्विटर अभियान का चेहरा? तो किसे बनाया गया? अमिताभ बच्चन को। इसलिए इसका सही उत्तर है बी, अमिताभ बच्चन को। अब बात आई यहाँ पे RBI के, किसने बनाया? RBI ने। तो RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1953 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सॉरी, स्थापना हुई 1935 को, हेड क्वार्टर मुंबई में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरभ गांगुली BCCI टीम के उपाध्यक्ष, किस उपाध्यक्ष ने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया? सौरभ गांगुली कौन है? BCCI के अध्यक्ष हैं वर्तमान में और उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है महेम वर्मा। इसका सही उत्तर है बी। अब बात आई BCCI की, तो BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? महेम वर्मा। वर्तमान में सचिव कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह, जो अमित शाह के पुत्र हैं। अमित शाह कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री। और इसके सह सचिव कौन है BCCI के? जयेश जॉर्ज। कौन है? जयेश जॉर्ज। इससे हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी की है? कौन सी? साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी की। तो किसने की? विश्व बैंक ने। किसने की है? विश्व बैंक ने। अब बात आई विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? Washington DC। कहाँ है? Washington DC अमेरिका में। स्थापना कब हुई? 1945 को। सिद्धांत क्या है इसका? सिद्धांत है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। क्या है सिद्धांत? वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है?
डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। वर्तमान में सीईओ कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? पॉल रोमर। कौन है मुख्य अर्थशास्त्री? पॉल रोमर। और अभी हाल ही में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने जो 11 सदस्यीय बाहरी टीम नियुक्त की है उसमें भारत के कौन से गवर्नर चुने गए? तो उसमें चुने गए हैं रघुराम राजन। कौन चुने गए? रघुराम राजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्ले सेफ ऑन प्ले टुडे 2020 किस संगठन ने आयोजित किया था? कौन? प्ले सेफ ऑन प्ले टुडे 2020 किस संगठन ने आयोजित किया था? तो ये किया था वाडा ने। किसने किया था? वाडा ने, WADA, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने। तो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका सही उत्तर है बी। इसकी स्थापना कब हुई? 10 नवंबर 1999। कब हुई? 10 नवंबर 1999। हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज कल का प्रश्न, जो कल प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। इसके लेखक कौन है? मैरी जॉर्डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के लिए फूड बैंक की पहल की है? किसकी? फूड बैंक, खाने के लिए जो व्यवस्था भोजन की जाती है उसके लिए फूड बैंक की पहल की है। तो इन चार में से जो भी विकल्प आपको सही लगे उसको कमेंट में जरूर लिखें। तो इसके साथ ही ये वीडियो पूरा होता है। वीडियो देखने के लिए पूरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।